दोस्तों कैसे हैं आप लोग, स्वागत करता हूँ आपका यू क्रिएट्स में। मैं हूं तैयार। आज की इस वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मेरे पास है ये एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव। जी हाँ, 16 GB की ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, जो कि अक्सर हम लोग कंप्यूटर के यूएसबी सॉकेट में लगाते हैं। और इसका काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में डाटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं और यूएसबी पोर्ट में जनरल लगाते हैं। पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जी हाँ, भयंकर वाला एक्सपेरिमेंट हम करते रहते हैं। अनएक्सपेक्टेड जो होता है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हम आज इसको एक चार्जर में लगाने वाले हैं। जी हाँ, इसको फिर पावर सप्लाई में भी लगाएंगे। तो देखते हैं यूएसबी ड्राइव हमारी उड़ जाती है, फूक जाती है, जल जाती है, या कि कुछ नहीं होता है। जो भी होगा वीडियो में बिल्कुल लाइव होगा। तो बिना दिए देर किए लेट्स क्रिएट। तो भाई अब हम सबसे पहले इसको चेक करा रहे हैं आपको लगा के। ये हमने इसमें देखिए, ये मैं लगा रहा हूँ इसके यूएसबी सॉकेट में। तो ये मैंने लगा दी है, तो इसकी बीप भी आ चुकी है। ये देखिए खुल गई है, इसमें एक वीडियो डला हुआ है। तो इस वीडियो को हम प्ले करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम करके फोकस कर लेते हैं। ये हमने हल्का सा जूम किया और इसको हम फोकस भी कर देते हैं। ये जूम करके हमने फोकस कर लिया। चलिए मैं पहले वीडियो को चला के दिखा देता हूँ कि ये यूएसबी ड्राइव काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, स्वागत करता हूँ आपका यू क्रिएट्स। ये हमारा पुराना वीडियो था जो मैंने बनाया था। चलिए इसको सबसे पहले अब काटते हैं, हम इसको रोक देते हैं। सबसे पहले इसको काटते हैं, आपको थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देते हैं। ये देखिए मैंने माई कंप्यूटर पर गया, ये हमारी डली हुई है। ये देखिए आ गया, इसमें स्पेस 14.2 GB अभी भी बाकी हुई है और इसके अंदर वही ये हमारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो ठीक है, अब इसको हम वापस निकाल लेते हैं और फिर लगाते हैं उसमें चार्जर में। चलिए अब हम इसमें चार्जर लगाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि चार्जर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मेरे पास एक डुओ पॉट पड़ा हुआ था, तो मीवी का, ये आप देख सकते हैं। और इसमें हम लोग लगा के सबसे पहले चेक करते हैं कि चलेगा या नहीं चलेगा, हमारा चार्जर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए हमारा चार्जर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए इसको निकाल के हम कोई फ़ोन पे भी आपको चेक करा देते हैं। जी हाँ, फ़ोन से आपको चेक करा देते हैं। एक मेरे पास पुराना फ़ोन पड़ा हुआ था, इसमें लगा देते हैं। ये ऑफ है फ़ोन, तो ये देखिए चार्जिंग ये शो करने लगा है। तो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, जिसमें ये चार्जिंग परसेंटेज भी दिखा देगा। तो ये देखिए ये 17% के आसपास है और ये चार्ज हो रहा है, मतलब ये काम कर रहा है। और इधर देखिए आप इसमें, तो ये पावर आ रही है। तो एज इट इज़ देखिए अभी भी चार्जिंग हो रही है। तो मैं इसको यहाँ से सीधे यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको अब साइड पे रखते हैं और तैयार हो जाइए आप लोग। रेडी, 1 2 3। मुझे भी भाई नहीं पता है क्या होने वाला है। और ये मैंने एज इट इज़ पूरी की पूरी यूएसबी इसमें लगा दी। देखिए यार, ना धुआं निकला ना कुछ हो रहा है अभी फ़िलहाल। तो थोड़ी देर लगी रहने देते हैं भाई इसको, जो होगा वो जाने देते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए इसमें पावर भी आ रही है अभी फ़िलहाल। वेट करते हैं, इसमें देखते हैं कुछ होने वाला है या नहीं है। इसको थोड़ी देर लगा के देखते हैं, फिर वापस से कंप्यूटर पे लगाएंगे हम इसमें। तो इसको थोड़ा साइड पे लगा के हम लोग फोकस कर लेते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो ये अपना कंप्यूटर है, आ गया। एक ही फ्रेम में मैं सब कुछ दिखाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग को सब समझ में आ जाए। तो इधर पे रख देते हैं ताकि अच्छी तरीके से फोकस होके आपको दिखाई दे। ये मैंने रख दिया है, लगभग फोकस हो चुका है और ज़्यादा भी ऊपर भी नहीं कर सकता हूँ मैं। ये फुल हो चुका है, अभी थोड़ा सा वेट कर लिया मैंने। तो चलिए भाई इसको फिर फिलहाल निकालते हैं, अब टाइम तो काफ़ी हो चुका है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। इससे गर्म हो रही है भाई, हल्की हल्की गर्म हो गई है। ये धुआं हुआ तो नहीं आया भाई, निकल नहीं रही, निकल गई, ये निकल गई है। अब मैं इसमें लगाता हूँ। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ, हल्का सा फोकस कर देता हूँ इस साइड पे। ये देखिए मैं अब ये इधर लगा रहा हूँ इसके सॉकेट में। ये देखिए मैं लगाने वाला हूँ, ये लगा दिया, बीप भी आ गई। तो ये क्या भाई, ये क्या हुआ भाई।
भाई इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो वैसे की वैसी है। तो चलिए इसको चला के भी देख लेते हैं वीडियो प्ले होगा या नहीं होगा, फिर इसके बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ चेक करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो प्ले करके दिखाते हैं वही वाला। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वीडियो भी चल रहा है। तो भैया वीडियो भी चल रहा है, कोई डेटा भी करप्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, आप देख पा रहे हैं। चलिए इसको काट के हम माई कंप्यूटर पे जाके इसकी स्पेसिफिकेशन भी चेक करा देते हैं फिर से। ये देखिए वही की वही सब कुछ। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको चेक करा देते हैं हम। ये देखिए हमारा जो वीडियो पड़ा था उसकी ये स्टोरेज है जितनी भी है, और ये हमारी ड्राइव की है टोटल स्टोरेज, और ये फ्री स्टोरेज है। तो भैया कुछ भी नहीं हुआ, मतलब गलती से लग जाए तो कोई चिल्लाना मत बच्चे बच्चे को, काम आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो भैया इतना सब कुछ करवा दिया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा वीडियो की क्लिप चला दूं क्या, वो पुराने वाले? तो भाई कुछ नहीं हुआ है, ये रहा आपके साथ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपका यू क्रिएट्स में, मैं हूं गुरु समीर। तो बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, हर एक को शौक होता है रॉकेट्स का, ये रहा फ्रेंड रॉकेट सबके बहुत। तो यार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा एक्सपेरिमेंट कि हमारी जो यूएसबी ड्राइव थी उसका कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, पावर सप्लाई में हमने इसको लगाया चार्जर में और पावर ऑन भी किया, बट इस फ्लैश ड्राइव का कुछ भी नहीं बिगड़ा, ना ब्लास्ट हुई ना धुआं निकला। और जब मैंने वापस कंप्यूटर में लगा के यार लैपटॉप में लगा के दिखाया तो एज इट इज़ चल रही है, पूरी अच्छी तरीके से वर्किंग कर रही है। जी हाँ, स्मार्ट डिवाइसेस होती हैं ये, इसमें जल्दी वल्दी कुछ भी फ़र्क नहीं आता। बट आप लोकल ख़रीदते हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग कमेंट कर सकते हैं तो उसको भी इस तरीके की एक लेके वीडियो बना दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।